कन्हैया पर नमस्कार। क्यों नहीं खड़ी, कन्हैया की पिटाई हुई है। हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और नंदीग्राम डायरी के लेखक पुष्पराज जी के साथ। तिवारी कन्हैया कुमार, जिस तरह से भाजपा प्रत्याशी नॉर्थ ईस्ट सीट दिल्ली से मनोज तिवारी को चुनौती दे रहे हैं और उनके साथ जिस तरह से घटना भी घटी, उन पर हमले किए गए, दो युवकों ने उनको जो है वो जिस तरह से हमला किया, तो क्या ये चूंकि कन्हैया कुमार की कहीं जीत दिख रही है इसलिए इस तरह के कांड किए गए, थप्पड़ कांड या कुछ और जो है वो बात है? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं निर्भय जी। कन्हैया जी देश में लेफ्ट से बाहर आने के बाद लोग कांग्रेस में भी उन्होंने वही भूमिका ली जो पूरे देश में कम्युनिस्ट पार्टियों की रही है, और कन्हैया पूरे देश में एक ब्रांड प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं, ब्रांड स्पीकर, जो फासीवाद की राजनीति और नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति को जो एक व्यक्ति पूरे देश में घूमकर खारिज करता है, वो कन्हैया की भूमिका है। तो अभी जो घटना हुई है यह पूरी तरह से दुखद है, और कोर्ट परिषद में कन्हैया जो नेता बनाए गए, आप हम लोग मानते हैं कि एक्सीडेंटल हीरो वह हैं, तो जिस तरह से कन्हैया के साथ जेएनयू के अध्यक्ष के रूप में उन्हें जब वो शोध कार्य कर रहे थे उसी बीच में उनके साथ जो घटना हुई, उस घटना ने उनको हीरो बनाया। और माना जाए कि जिन मूल्यों के साथ कन्हैया जेएनयू में खड़े थे उन्हीं मूल्यों के साथ अभी वो कांग्रेस के साथ भी खड़े हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, और चुनाव लड़ते हुए, दिल्ली से चुनाव लड़ते हुए, जाहिर है कि वह राजधानी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो कन्हैया वहां भारी पड़ रहे हैं, और चिंकी मिंकी और जैसा तैसा गीत गाने वाले मनोज तिवारी काफी हल्के हो जा रहे हैं। जाहिर है कि दोनों बिहार की पृष्ठभूमि से आते हैं और कन्हैया से पूर्व वो ब्रांड रह चुके हैं, लेकिन वे काफी हल्के हो चुके हैं। जब से वो राजनेता बने तब से उनकी छवि एक कलाकार और गायक से ज्यादा एक फूहड़ छवि हो गई है, जो फूहड़ छवि सत्ता के लिए उन्होंने बनाई है, और उस फूहड़ छवि के सामने अगर कन्हैया की छवि भारी पड़ रही है, कन्हैया को लोग प्यार कर रहे हैं, तो ये कन्हैया एक बिल्कुल ही भूमिहीन किसान के पुत्र हैं। मैंने आपके पास वीडियो भी भेजा था जब कन्हैया जेल में थे, मैं पहला पत्रकार था जो उनके घर गया था, उनके पिता से हमारी बात हुई थी, और उनके पिता ने हमसे जो बातें की थी वो बहुत ही मर्माहत करने वाली बात थी। उनके पिता ने बताया कि उनके पास कुछ भी नहीं है, और रामचरित्र सिंह जो बिहार के प्रथम सिंचाई मंत्री हुए थे और बीहट के थे, कन्हैया के कुल के सबसे पहले व्यक्ति थे, तो रामचरित्र सिंह श्री कृष्ण सिंह के मंत्रालय में काफी महत्वपूर्ण थे, और बेगूसराय का जब औद्योगिकरण होने लगा तब कोई पुनर्वास की योजना नहीं थी, और कन्हैया के दादा वॉचमैन की नौकरी के शर्त पर उन्होंने अपनी पूरी जमीन दे दी थी, मुआवजा नहीं मिला था। तो कन्हैया का परिवार तो बिल्कुल ही एक भूमिहीन परिवार है, और कन्हैया के पिता ने जो कुछ भी हमसे कहा, मुझे भी अभी भी स्मरण है कि मेरे बेटे को जेल से निकालिए, हमें कोई सहायता नहीं चाहिए। पार्टी ने यद्यपि उनके परिवार की कुछ सहायता की थी उस समय, लेकिन कन्हैया के पिता का कहना था हमें कोई सहायता नहीं चाहिए। सीपीआई की भी सहायता उन्होंने वापस की थी कि कन्हैया के चुनाव से पूर्व की बात है कि वो जेल से निकालने पर जो खर्च होगा उसमें करें। याद करना चाहिए कि जब वो व्हील चेयर से उनको देने की बात आई थी, कन्हैया के पिता रेंग कर चलते थे चूंकि वो लकवाग्रस्त थे, तो रेड क्रॉस ने जब हमारी रिपोर्ट छपने के बाद उनको व्हील चेयर देने की बात की, तो व्हील चेयर चलेगा कैसे, उनके घर में फर्श नहीं था। तो हमने जब अपने किसी मित्र से कहा कि उनका फर्श प्लास्टर किया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, हम इसी माटी से बने हैं, इसी माटी घर में जन्म पैदा लिए हैं, और इसी माटी में हम मिल जाएंगे, हमें घर को फर्श नहीं करना है, हमारे बेटे को आप जेल से निकाल दो। और कन्हैया के पिता व्हील चेयर नहीं ले पाए, तो कन्हैया व्हील चेयर दान में स्वीकार नहीं करने वाले पिता का पुत्र है, और कन्हैया से लड़ने के लिए वह भूता नहीं है मनोज तिवारी के पास, कि मनोज तिवारी जो करोड़ों करोड़ की जायदाद वाले व्यक्ति हैं वे कन्हैया के सामने टिक पाए। इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा और कन्हैया विरोधी शक्ति ने फिर से वही रास्ता अख्तियार किया है जो कन्हैया के साथ कोर्ट परिसर में हुआ था, जिसकी कोर्ट ने भी आलोचना की थी, और कन्हैया देश में जहां भी जा। हाँ, बिहार हेलो में उनको सीट क्यों नहीं दी गई?
जिसमें कहा जा रहा है कि न लालू प्रसाद यादव जी चाहते थे, न तेजस्वी यादव चाहते थे, न कांग्रेस नेतृत्व, बिहार कांग्रेस नेतृत्व में कोई ये दबाव बनाने की स्थिति में थे कि कन्हैया कुमार के लिए सीट निकालते। जी, आपका क्या आप बिल्कुल सोचते सही, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में जब गठबंधन था, गठबंधन के बावजूद तनवीर हसन वहां उम्मीदवार थे आरजेडी के, और कन्हैया की हार हुई थी। लेकिन आप अगर आरजेडी का वोट जोड़ दें तब भी जो भाजपा की जीत हुई थी, गिरिराज सिंह का वोट काफी आगे था, और कहीं ना कहीं सीपीआई की अपनी राजनीति में भी कमजोरी थी जिसकी वजह से हार हुई थी। मतलब सीपीआई से दो विधायक जरूर हैं अभी भी बेगूसराय जिला में, लेकिन सीपीआई जहां पर की सभी विधायक और सांसद सीपीआई से होते थे, वहां सीपीआई काफी कमजोर हो चुकी है आज के दिन में। 19 में भी 20 में भी कमजोर थी जिसकी वजह से कन्हैया की हार हुई थी। तो कन्हैया उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। जहां तक आप तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी के समर्थन से कन्हैया की जीत हो सकती थी, जीत की संभावना बन सकती थी, लेकिन आप देखें तो आरजेडी का वोट उतना अधिक नहीं है जिससे कि कन्हैया जी जीत पाते। इसलिए हम तेजस्वी को, अगर ऐसा लगता है कि कन्हैया बिहार मूल के नेता बनेंगे तो तेजस्वी की राजनीति कमजोर पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि तेजस्वी परिवारवाद और वंशवाद से निकले हुए नेता हैं, और कन्हैया संघर्ष से निकले हुए, देश के सबसे बेहतरीन तरक्की पसंद विश्वविद्यालय से निकले हैं और अपनी लेबोरेटरी से कन्हैया निकले हैं। तो कन्हैया ज्यादा स्वीकार्य होते, इसलिए कन्हैया बिहार में राइज ना करें। अगर ऐसा तेजस्वी की सोच थी, तेजस्वी ने कभी इस पर कोई वक्तव्य दिया नहीं है। तेजस्वी को वक्तव्य देना चाहिए, और मुझे लगता है कि मीडिया के लोगों को पूछना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि बिहार में पत्रकारिता इस तरह की अब हो नहीं रही है जो तो तेजस्वी और नीतीश कुमार से कोई सवाल किए जाए, सवाल की पत्रकारिता ही समाप्त हो चुकी है। इसलिए तेजस्वी से कभी सवाल नहीं किया गया। लेकिन कन्हैया बेशक अगर बिहार की राजनीति करते तो तेजस्वी के ऊपर भारी पड़ते, और जात की राजनीति से ऊपर जमात और विचार की राजनीति के वो वाहक हो सकते थे बिहार में। लेकिन दिल्ली में कन्हैया भी क्या आपको ऐसा भारी लगता हैं। है कि बिहार कांग्रेस एकदम आरजेडी के सामने एकदम सरेंडर कर गई है? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिहार में जो कांग्रेस पार्टी है वह बीजेपी के सामने भी चुनौती नहीं दे पा रही है, और कभी भी नीतीश कुमार की सत्ता की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ भी कांग्रेस ने कभी कोई भूमिका नहीं ली। और यही वजह है कि अभी आरजेडी की वैसाखी पर ही आगे निकलना, मतलब जिस कांग्रेस की अपनी आइडेंटिटी रही हो, जो कांग्रेस लालू प्रसाद जी के सत्ता में आने से पहले लगातार सत्ता में रही, ठीक है बीच में संसोपार कर्पूरी जी का राज आया, लेकिन कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है, और अपनी खोई हुई जमीन में कांग्रेस का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है बिहार में जिसको जनता जानती हो अपने क्षेत्रीय विधायकों के अलावा, और जिसके नेतृत्व में कांग्रेस अपने आप को उभार पाए। इसलिए आरजेडी के अंदर, आरजेडी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही है, जो बिहार और कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आखिरी सवाल कि क्या दिल्ली और जेएनयू के और जो छात्र भी हैं उनके कभी सहयोगी भी रहा करते थे, ये कन्हैया कुमार के लेफ्ट के छोड़ करके कांग्रेस आ जाने से नाराज बताए जाते हैं? इसका भी शायद खमियाजा उनको भुगतना पड़े चुनाव में, क्योंकि ये विचारधारा का मामला है और ये अपनी मैंने कहीं ना कहीं अपने लाइफ की शिफ्टिंग के लिए इधर उधर बदल रहे हैं और हाथ पैर मार रहे हैं। देखिए, कन्हैया ने जो कम्युनिस्ट पार्टी से अपने आप को बाहर किया, अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी सीपीआई सीपीएम फिर भी सीपीआई से ज्यादा जमीनी संघर्ष में शामिल है। सीपीआई काफी कमजोर हो चुकी है, और सीपीआई के नेता सीपीआई के एजेंडे और नहीं, ऐसे आरजेडी में के एजेंडे। कन्हैया कुमार जैसे युवा नेता की अधिक जरूरत थी सीपीआई को, उनको वहीं रहना चाहिए था चाहे जितना भी कुछ संघर्ष करना पड़े। देखिए, कन्हैया को सीपीआई ने केंद्रीय कमेटी में जरूर लिया था, लेकिन कन्हैया सीपीआई
छात्र नेता थे, आप भी जानते हैं, और कन्हैया मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से आए नहीं थे, वो छात्र राजनीति से आए थे। तो कन्हैया की लोकप्रियता, कन्हैया का ब्रांड होना, यह सब कुछ पार्टी के स्थापित नेताओं को संभवतः रास नहीं आ रहा था। वे समझ चाहते थे कि कन्हैया कहीं स्टूडियो में भी जाएं, कहीं कन्हैया का एक सार्वभौमिक छवि कन्हैया ने हासिल कर लिया था, तो वो चाहते थे कहीं जाए तो पार्टी डिसिप्लिन में रहे, पार्टी की अनुमति लेकर जाए, जो कन्हैया के लिए संभव नहीं था। और कन्हैया पूरे देश में बुलाए जा रहे थे, कन्हैया की जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, वो काफी बिक रही है, और कन्हैया एक युवा के रूप में, युवा ब्रांड के रूप में काफी पॉपुलर हुए। तो कम्युनिस्ट पार्टी का डिसिप्लिन जरूर अपने अनुशासन के इतिहास को दोहराएगा और कन्हैया जी को अपनी मुट्ठी में रखना चाहेगा, जो कन्हैया के व्यक्तित्व के लिए हितकर नहीं था। और कन्हैया कांग्रेस में आए हैं तो कांग्रेस में उन्हें एक बड़ा फलक मिला है, और कांग्रेस उनका बेहतर इस्तेमाल कर रही है, और कन्हैया भी अपनी लोकप्रिय छवि, अपने व्यक्तित्व का अपनी बेहतर लोकप्रिय उपयोग कर छवि पा। को महत्वाकांक्षा में तब्दील करना और बहुत तुरंत में कुछ चाहना, ये आप ऐसा मानते हैं? देखिए, महत्वाकांक्षा, कभी कन्हैया से हमारी महत्वाकांक्षा के बारे में बात नहीं हुई है, लेकिन कन्हैया अगर राज्यसभा जाते हैं या कन्हैया लोकसभा जाते हैं, तो जाहिर है कि वहां पर वो फासीवादी राजनीति के खिलाफ जनता के पक्ष की बात करेंगे, और कन्हैया की महत्वाकांक्षा कहीं स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन कन्हैया एक राजनीति करने वाला व्यक्ति, जो कभी प्रोफेसर बन सकता था पीएचडी के बाद, बीच में ही जिसको पढ़ाई बंद करनी पड़ी हो, जिसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, तो अचानक एक ड्रीम अगर उसके अंदर पल रहा हो देश को नेतृत्व देने का, तो हम समझते हैं कि वो नरेंद्र मोदी से बेहतर ही प्रधानमंत्री हो सकते हैं। इसलिए कन्हैया के अंदर अगर महत्वाकांक्षा है, तो उस हाँ, महत्वाकांक्षा का तो सम्मान कांग्रेस भी में आप करना तो चाहिए। ऐसा कह रहे हैं कि राहुल गांधी के रहते हुए कन्हैया प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। खैर, आपने आपकी अपनी राय है, हम लोग आगे भी संवाद करेंगे। फिलहाल नमस्कार। जी नमस्कार, धन्यवाद।